सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आजकल रेडमी मोबाइल्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहे हैं, स्विच ऑफ हो रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम का कैसे आपको सोल्यूशन करना है, आपको कोई भी दुकान पर कोई भी मैकेनिक के पास नहीं जाना, आप खुद से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो क्या क्या आपको करना होगा मैं आपको बता देता हूं। सो सबसे पहले तो मैं इसके रीजन बता देता हूं कि किस रीजन की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। जो सबसे पहला रीजन है वो है कि अगर आप कोई थर्ड पार्टी एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, थर्ड पार्टी मतलब अगर प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से एप्स डाउनलोड करते हैं तो और किसी में वायरस वगैरह आ जाते हैं तो उससे प्रॉब्लम आ जाती है। और दूसरा रीजन है वो ये है कि अगर आपने अपने मोबाइल को अपडेट नहीं कर रखा है तो उससे भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो हो गए इसके रीजन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि अपने जो भी थर्ड पार्टी एप्स है आपके मोबाइल में उनको आपको अनइंस्टॉल कर देना, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं, आपको सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है, मतलब कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आई हुई है आपके मोबाइल में उसको आपको अपडेट कर लेना है। जैसे आप अपडेट कर लेते हैं उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आना है। आने के बाद एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिक्योरिटी का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लीनर का, तो आपको अपने मोबाइल को यहाँ से क्लीन कर लेना है। जैसे आप क्लीन कर लेते हैं उसके बाद एक और ऑप्शन देखने को यहाँ पर आपको मिल जाता है डीप क्लीन, तो आपको डीप क्लीन भी इसको कर लेना है। डीप क्लीन करने के बाद आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप मेंटेक भी कर दिया, इसको भी आपको कर लेना है। जैसे आप ये सारी चीजें कर लेते हैं उसके बाद आप अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप रिस्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। अगर फिर भी आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को दें लाइक और चैनल को दें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।